Assalamu alaikum guys, this is me Ahmed Raza and you are watching how to do this. Today we will learn how to change body background color using JavaScript. तो मैं आपको एक सैम्पल वीडियो दिखा देता हूँ. ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट किया है जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे तीन कलर शो हो रहे हैं, रेड, ग्रीन, पिंक. जैसे ही मैं किसी एक कलर पे क्लिक करता हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा. ये देखिएगा, मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो बॉडी का बैकग्राउंड ग्रीन हो गया. ऐसे ही मैं रेड पे क्लिक करूंगा तो रेड, ऐसे ही पिंक पे क्लिक करूंगा तो पिंक. ये मैंने यूजिंग जावास्क्रिप्ट किया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने अभी जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं की. ये ड्रॉप डाउन मैंने बूटस्ट्रैप की मदद से क्रिएट किया है, ठीक है. मैंने आपको बूटस्ट्रैप में ड्रॉप डाउन क्रिएट करना सिखाया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं ली तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उसे देख लें अगर आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना नहीं आता, ठीक है. तो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा. अब हमने इस पे जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई करना है ताकि हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर ऐसे चेंज हो सके. तो चलिए फिर अपने सबलाइन को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बूटस्ट्रैप की कुछ चीज़ें थोड़ी सी बता देता हूँ जिसको नहीं पता. ये लिंक्स दी हैं CDN के और यहाँ पे मैंने एक बटन पे होवर इफेक्ट डाला हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है. जैसे मैं इस पर होवर लेके आता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है. ये मैंने होवर इफेक्ट डाला हुआ है सिंपल. और ये ड्रॉप डाउन का कोड है मेरे पास, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके इस डिप से लेके इस डिप तक ये मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर बटन रखा हुआ है. अब हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है ताकि हमारे पास जब हम कलर पे क्लिक करें तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो. तो वो हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि बटन के अंदर हम इवेंट्स कॉल करते हैं. तो यहाँ पे मैं एक इवेंट कॉल करूँगा ऑन क्लिक, ठीक है, कि जैसे ही इस पे क्लिक हो ऑन क्लिक तो हमारे पास कुछ एक्शन परफॉर्म हो. हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म होगा जिसका मैं फंक्शन का नाम रख लेता हूँ चेंज बॉडी बैकग्राउंड, ओके. तो ये मैंने फंक्शन का नाम रख लिया. अब यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस डालूंगा. अब यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स पास करने हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू पास करनी है कि इस पे कौन सी वैल्यू जाए हमारे फंक्शन में परफॉर्म हो. तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड वैल्यू है हमारी, तो यहाँ पे मैं रेड आर्गुमेंट पास करूँगा. मतलब इसे सिंगल स्ट्रिंग लिखूंगा या डबल स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर वैल्यू पास करूँगा रेड, ओके, रेड वैल्यू पास कर दी. ऐसे ही मैं इसे करूँगा कॉपी ऑन क्लिक इवेंट को कॉपी और इसे यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ओके. और ऐसे ही पिंक वाली जगह पे भी पेस्ट. सिर्फ हमने चेंज क्या करना है, जहाँ पे हमने रेड लिखा हुआ है वहाँ पे ग्रीन कर देना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट कलर क्या है, ग्रीन, ओके. और जहाँ पे हमने इसी तरह यहाँ पे पिंक, ओके. ये थे हमारे इवेंट्स कॉल हो गए, हमने बटन पे इवेंट्स कॉल कर लिए. वो कैसे इवेंट्स कॉल हो गए, ये वाले बटन पे हमारे इवेंट्स कॉल हो गए हैं रेड पे, ग्रीन पे, पिंक पे. अभी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखा. तो उसे लिखने के लिए बॉडी के अंदर ही मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, ओके. सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा तो हम फंक्शन लिख लेते हैं. मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम इस कैसे लिख सकते हैं, पूरा आपको बताया हुआ डिटेल से. अगर आपने वो वीडियो नहीं ली थी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. फंक्शन, ओके, यहाँ पे फंक्शन नेम लिखते हैं जो कि हमारे पास फंक्शन नेम है चेंज बैकग्राउंड बॉडी बैकग्राउंड, ओके, ये लिख दिया. और यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं. आर्गुमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है. और यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैं रख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, ओके. आर्गुमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आर्गुमेंट इसे पास होंगे, ठीक है. ये वाला रेड इसे पास होगा, आगे हमने इसे यूज़ करना है. ये वाला ग्रीन भी इसे पास होगा, पिंक भी इसे पास होगा जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है. तो ये थे आर्गुमेंट. और अब मैं लिखूंगा कोड जो कि रन होगा सिंपल. उसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी टैग को एक्सेस करते हैं उसे आईडी के नाम से एक्सेस करते हैं या टैग नेम से एक्सेस करते हैं या वैल्यू से. तो यहाँ पे मैं उसे सिंपल टैग नेम से एक्सेस करूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट. किसे एक्सेस कर रहा हूँ, बॉडी को, ओके. बॉडी एक्सेस हो गई हमारे पास. अब उसके अंदर मैं स्टाइल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो लिखूंगा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल. अब मैंने क्या करना है, उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर उसका चेंज करना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल बैकग्राउंड, ओके.
इसके बैकग्राउंड। अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लिखना है कि कौन सा बैकग्राउंड मेरे पास चेंज हो, तो मुझे नहीं पता कौन सा बैकग्राउंड चेंज होगा, क्योंकि जब भी यूज़र क्लिक करेगा, ग्रीन पे क्लिक करता है या रेड पे क्लिक करता है या पिंक पे क्लिक करता है, तो उस हिसाब से चेंज होगा। तो मैंने इस वजह से ये आर्गुमेंट पास किए थे कि इसमें वो वैल्यू आएगी जो यूज़र क्लिक करेगा। अगर वो ग्रीन पे क्लिक करता है तो इस पे ग्रीन वैल्यू आएगी, अगर रेड पे तो रेड पे, ऐसे ही पिंक पे क्लिक करेगा तो इसके अंदर पिंक वैल्यू आएगी। तो इस हिसाब से मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, स्पेलिंग ठीक है, ओके, बैकग्राउंड कलर, और लास्ट पे सेमी कॉलन। तो हमारा ये कोड हमने लिख चुके हैं, अब हमें इसे रन करके देखना है कि हमारे पास रन होगा कि नहीं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं करूँगा इसे रिफ्रेश, ओके। अब यहाँ पे मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, कुछ अभी कोड में मसला है, अभी देख लेते हैं। इसे ही मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ताकि कोई मसला ना हो, कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ इसे पेस्ट, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, लेट्स सी, रिफ्रेश किया, चेंज क्यों नहीं हो रहा, चेंज बॉडी बैकग्राउंड, चेंज बॉडी बैकग्राउंड, ठीक लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, सॉरी मैं इसे चेंज करके देख देता हूँ फंक्शन को, इसका नाम सिंपल रख लेते हैं बीजी, ओके, इसका भी बीजी, लेट्स सी, एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट, बीजी लिखना है, इसे आपने कमेंट्स में नहीं डालना, मतलब सिंगल स्ट्रिंग या डबल स्ट्रिंग में नहीं डालना, तो ये गलती हमारी हो रही थी, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। सिंपल आपने बीजी लिखना है, ओके, इसे कमेंट्स में नहीं डालना स्ट्रिंग में, पहले मैं स्ट्रिंग में डालना था। लेट्स सी, एंड ये देखिए हमारे पास वर्क हो रहा है, ठीक है, ग्रीन पिंक। तो सिंपल छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ये आपने देख लेना है, मुझसे भी हो जाती हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि इंसान इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये था इसका चेंज, आप कलर कर सकते हैं इसी तरह, आप इसका फॉन्ट साइज़, बॉडी का फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसी तरह सिंपल से, ठीक है। तो आपके यूज़र से अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं, अट्रैक्टिव अपनी वेबसाइट बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर आपको समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दें, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।